आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मेरी मांग भरने वाला, मेरे सपनों का शहजादा, डैडी एक दिन चार्टर्ड प्लेन के आएगा। यू नो, मैं कल दुल्हन का टेस्ट शॉट दे रही हूँ, इसलिए मैंने इसको दुल्हन और तुमको मैं दूल्हा बना रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जरा इनको पकड़ के रखिए, ये भाग जाएंगी, मेरी ऑलरेडी भाग चुकी है। ओके, आर यू सीरियस? आई एम। ओके प्रिया, ये एक दूल्हा है और एक लड़का है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? प्रिया, मेरे लिए इट्स जस्ट अ शूटिंग, प्लीज प्लीज। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, खुशकिस्मत हूँ, लकी हूँ कि फिल्म लाइन में आने के लिए मुझे ज़रा सी भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मुझे अपनी पहली हिंदी फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई, और वो है द ब्यूटिफुल गॉर्जियस पूजा बत्रा। म्यूजिक वीडियो शूट करने जाना है। ओह, गुड गुड। हे, खड़े क्यों? चलो 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 चलो। अरे, कपड़े तो पहन के आओ। हे 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 हे, ये मेरे कपड़े हैं। मैं तुम्हारी सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ और तुम एक कैमरामैन। सो जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स। ओके, आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टे इन माय लिमिट्स। बाय द वे, टॉपिक आए ना, तेरी पता ना मेरी पता, मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है। 27 अक्टूबर 1974 में पैदा हुई थी पूजा बत्रा, फैजाबाद में, जो यूपी में है। उनके फादर आर्मी में कर्नल हैं और उनका नाम है रवि बत्रा। पूजा की माँ का नाम है नीलम बत्रा और वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। और हम आपको बता दें कि पूजा के दो भाई भी हैं। पूजा ने अपनी एडुकेशन कंप्लीट की फर्गसन कॉलेज पूना से और MBA की डिग्री ली सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पूना से। पूजा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और साथ ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए बहुत यंग एज में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और लगभग 250 एड्स में, कमर्शियल्स में काम किया और साथ ही साथ रैम शोज भी किए, और देखते ही देखते इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडल बन गई। पूजा ब्यूटी विद ब्रेन्स थी, इसलिए 1993 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीत लिया। कॉलेज डेज में ही पूजा को फिल्मों के ऑफर्स आने लग गए, लेकिन पूजा अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऑफर्स रिफ्यूज कर दी। लेकिन 1997 में मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उन्हें ऑफर दी अपनी फिल्म में, वो भी अनिल कपूर और तब्बू के साथ, तो उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर ली। फिल्म का नाम था विरासत और वो पूजा की पहली हिंदी फिल्म थी। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो रहने दो शक्ति। अरे, रहने कैसे दे डार्लिंग, तुम्हारे लिए मंदिर देखना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारी शादी इसी मंदिर में होगी। Really? Then I must see it. तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, हाथों फेरे होंगे अब हाथों में के हाथ। विरासत सुपर हिट हो गई और उसके बाद पूजा ने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे विश्व विधाता, भाई और शाम घनश्याम। ये फिल्में कुछ ज़्यादा नहीं चली, तो पूजा ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मेन लीड नहीं बल्कि पैरेलल रोल्स करने चाहिए और मल्टी स्टारर फिल्म्स करनी चाहिए, और उन्होंने ऐसे ही किया। कुछ फिल्में साइन कर ली, जैसे कहीं प्यार ना हो जाए, कुछ खट्टी कुछ मीठी और हसीना मान जाएगी। तुम क्या समझते हो कि मैं एक अबला नारी हूँ जो तुम जैसे गुंडे मवाले के सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि मुझे माफ कर दो, जाने दो। ए! मैं आज की लड़की हूँ और तुम्हारी हर एक बदतमीजी का दुगना जवाब देने की ताकत रखती हूँ।
हसीना मान जाएगी सुपर डुपर हिट हो गई, लेकिन पूजा को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, और वो भी बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ, जैसे मोहन लाल और मम्मूटी। पुलिस इल्ला इवड़े कल्लम्मारे उल्लू, इद अर कल्लन, इद मुक्का कल्लन, इद मुळु कल्लन। ഇവരെന്താ ഒരുമാതിരി ശവം പോലെ നിൽക്കുന്നത്? ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ, പുറത്ത് പോലീസ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ എം സോറി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡു എനി അട്രോസിറ്റി ആൻഡ് സേ സോറി. കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഞാനിത് വീട്ടിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പല്ലേ, പുറത്തെ ചെളി ചവിട്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയല്ലേ. സൗത്ത് കി കുച്ച് ഫിൽമേ കർനെ കെ ബാദ് ആയിസ്താ ആയിസ്താ പൂജാ കോ കാം മിൽന കം ഹോ ഗയാ, ഇസ്ലിയേ പൂജാ നെ സോചാ കി അബ് ലൈഫ് മേ സെറ്റിൽ ഹോ ജാനാ ചാഹിയേ ഓർ ഷാദി കർ ലെനി ചാഹിയേ. ദോസ്തോ, हम आपको बता दें कि पूजा ने दो शादियां की। उनके पहले पति का नाम है डॉक्टर सोनू अलुवालिया और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है अमेरिका में, और शादी के बाद पूजा अमेरिका शिफ्ट हो गई, लेकिन अफसोस कुछ सालों बाद दोनों में अनबन हो गई और 2011 में दोनों ने डिवोर्स ले ली और वो वापस इंडिया आ गई और फिल्मों में फिर काम करना शुरू कर दिया। पूजा ने दूसरी शादी की 2019 में, उनके दूसरे पति का नाम है नवाब शाह और वो भी बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। पूजा आज भी फिल्मों में काम कर रही है और रिसेंटली 2021 में उनकी फिल्म आई थी स्क्वाड। ये एक 6 साल की मासूम बच्ची है जिसके पीछे दुनिया की गवर्नमेंट्स पड़ी हैं। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके पास कोई हमसे पहले पहुंच गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते उसका क्या हाल करेंगे। कौन है ये? हिंदुस्तान की बेटी है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूजा एक सोशल वर्कर भी हैं और कई बड़े बड़े एनजीओस के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो अक्सर कहती हैं कि दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। वाह पूजा वाह, क्या सोच है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बस देखते रहिए, तबस्सुम टॉकीज़ करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।